अभी स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है सुखजिंदर सिंह। तो आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं ये बताऊँगा कि स्टॉक कांगड़ी ट्रैक जो कि लेह लद्दाख में है, 6153 मीटर उसकी हाइट है। तो वहाँ पे जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जो पैकिंग करनी है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ शूज़ से। तो ये एक वाइचुआ के शूज़ हैं, वाटर प्रूफ है, सॉलिड। इनकी वीडियो आप अगर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे देख सकते हो। मैं सिर्फ चीज़ों का ओवरव्यू बताऊंगा, उनको डिटेल में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। शूज़ हो गए, और शूज़ के साथ क्रैम्पोन्स ज़रूरी हैं। और उसके बाद आगे 3 पेयर ऑफ सॉक्स, ये वुलन सॉक्स से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और ये ज़्यादा गर्म रहती हैं। और ये 3 पेयर हैं इनके, 3 पेयर ऑफ अंडरवेयर्स हो गए, ठीक है। आगे हैंड में पहनने के लिए ग्लव्स 2 पेयर, एक वुलन के एक नॉर्मल ग्लव्स, लेकिन अंदर से ये भी गर्म है। और ये हो गया स्वेटर जो आप अपने कपड़ों के लेयर के ऊपर पहनोगे। और उसके बाद आगे 3 पेयर ऑफ हैंकीज ले लो, 2 यहाँ पे हैं और एक मेरा अंदर रखा हुआ है। और 2 मेरे पास टी शर्ट्स हैं, ठीक है। एक सैंडो भी ली हुई है मैंने, ये वाली स्लीवलेस, ये भी काम आएगी काफ़ी ज़्यादा। और ये है मेरा वार्मर जो मैं नीचे पहनूंगा, सबसे पहले इसको पहनूंगा, उसके आगे लेयर्स। और ये है एक स्वेट शर्ट। तो ये कपड़े हैं जो मेरे अपर बॉडी के हैं। और उसके बाद ये है एक जैकेट जो कि बड़ी जैकेट है, वुडलैंड की जैकेट है, और ये -10 डिग्री तक भी आपको कवर कर लेगी। तो ये जैकेट काफ़ी इफेक्टिव है, और जैकेट ले जाना कभी मत भूलें। और जैकेट का एक और भी चीज़ है कि जैकेट जितनी कॉम्पैक्ट हो उतनी बढ़िया। मेरी इतनी कॉम्पैक्ट है, इससे भी कॉम्पैक्ट आधी आधी जैकेट्स भी आती हैं जो आप क्वैचुआ से खरीद सकते हो। ये मैंने लिफाफे में बंद करके रखा हुआ है इसको। ये आ गया लेग्स के ऊपर पहनने वाला वार्मर, और ये एक लोअर है मेरे पास, ठीक है। और एक होगी मेरी ये पैंट, जिसको ये 6 पॉकेट पैंट है, इसको मैं एवरीडे यूज़ के लिए रखूँगा, जो कि खुली डुली है काफ़ी। मैंने पहले ही सोच के खरीद ली थी कि मेरे को खुली डुली पैंट पहननी है, जिसके अंदर भी ये काफ़ी खुली है, इसके अंदर लोअर भी आ जाएगी, वार्मर भी आ जाएगी अगर ज़्यादा ठंड होती है तो। ऐसे ये हो गई चीज़ें ये। उसके बाद आ गया मेरे पास ये एक मफलर, इसको मैं ऑप्शनल रखूँगा लेके जाना कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए एक छोटा टावल, ये 2 बैंडेजेस भी आपको चाहिए। ये अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप कहीं पे भी बांध सकते हो, ये ठंड रोकेगी। उसके बाद आ गई ये कैप, ले में जैसे कि सन काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है तो आपको धूप से बचने के लिए कैप चाहिए। उसके बाद आ गई वुलन कैप, ये बहुत ज़रूरी है, इसको कभी मत भूलो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंड होएगी तब आपको ये वुलन कैप बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। ये आ गया बंदाना, अपना नाक हमेशा ढक के रखो। जब भी आप मनाली से ले ट्रैवल कर रहे हो तो जहाँ पे एयर है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है, तो आपको वहाँ पे ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपका नाक, ताकि ख़राब ना हो जाए स्किन उसकी। और लास्ट में कपड़ों में जो है वो है लास्ट में इधर मेरे पास पोंचो, ये रहा, ये है मेरा रेन कवर। जब बारिश होगी तो पोंचो से आप बारिश को रोक सकते हो। और ये जो बैग है, ये 4 क्ला का 70 लीटर का बैग है, जिसमें बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कपड़ों के बारे में बताई। अगर नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, रस्सी, इसकी ज़रूरत पड़ती है कई बार। लेट से आप स्नो में जा रहे हो तो कई बार कुछ भी ऐसी आपत्तिजनक स्थिति आ जाती है जहाँ पे आपको दूसरे बंदे की हेल्प करनी पड़ती है, तो रस्सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चप्पल, या आप सैंडल्स भी लेके जा सकते हो। मैं चप्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस बार जो स्टॉक कांगड़ी ट्रैक में जा रहा हूँ वहाँ पर नाले कम हैं और नदियाँ कम हैं, तो वहाँ पर मैं ईज़िली चप्पल को डेली यूज़ बाद में कर सकता हूँ टेंट में रहने के लिए। कैमरा लेके जा रहा हूँ फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। पावर बैंक एक लेके जा रहा हूँ, 6 दिन का ट्रैक है तो एक पावर बैंक से मेरा गोप्रो चार्ज हो जाएगा। मेरे को सिर्फ गोप्रो चार्ज करना है और कुछ भी चीज़ें मेरे को चार्ज नहीं करनी है। ये इसका चार्जर हो गया, और ये मेरे कैमरे का चार्जर, इसको मैं वहाँ पर चार्ज करूँगा जहाँ पर मुझे बिजली मिल जाएगी। और उसके बाद अगर कार्ड्स की बात करूँ तो इसमें 64 GB है, और इसमें भी एक 64 GB इसमें है, और 1, 2, 3 64 GB का कार्ड है, और ये 8 GB का कार्ड अगर एडिशनल कोई चाहिए। और उसके बाद आ गई सन ग्लासेस जो कि यूवी प्रोटेक्टेड है। अगर आप जैसे स्नो में ट्रैक करने जा रहे हो तो वहाँ पे सनशाइन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो वहाँ पे आपको ये डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आ गई ये टेप, लेट से कुछ भी कोई कपड़े फट जाते हैं एकदम से, तो वहाँ पर सिलाई करनी मुश्किल हो तो वहाँ पर फटाफट टेप लगा लो। अगर एक और बात, जैसे आपके शूज़ आपके पास अच्छे नहीं हैं, जैसे लास्ट शूज़ थे मेरे तो वो अच्छे नहीं थे, उसमें पानी चला जाता, तो उनके ऊपर भी टेपिंग करके थोड़ा थोड़ा हम बचाव कर सकते हैं। उसके बाद आ गया मेरे पास ये सर्वाइवल नाइफ, कहीं भी ज़रूरत पड़ जाती है सर्वाइवल नाइफ की। अगर खोल के दिखाता हूँ मैं आपको,
ये सिर्फ साल में एक दो बार ही यूज़ होता है जब मैं ट्रैक पे जाता हूँ, तो ये ऐसा नाइफ है। कुछ ऐसा नाइफ है, तो ये इसेंशियल्स हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। स्टॉक कंक्रीट ट्रैक रात में ट्रैक करना पड़ता है, तो मेरे पास एक ये टॉर्च है, ठीक है, और एक मेरे पास इसके अंदर टॉर्च है, दो टॉर्च होगी, और उसके बाद 4 से 5 बैटरीज या 6 बैटरीज जितनी आप कैरी करना चाहते हो उतनी कर सकते हो। तो ये चीज़ें होगी जो यूटिलिटीज़ हमें चाहिए चाहिए। उसके बाद मैं फ़ूड का आपको बताता हूँ। फूड में ना मैंने कुछ ये चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि सुपराडिन की गोली है, मल्टी वाइटमिन्स है, ये आपको बॉडी को कभी नीचे नहीं गिरने देंगे, जो भी वाइटमिन्स की ज़रूरत है यहाँ से पूरी हो जाएगी। कुछ ईयरबड्स हैं, यूज़ करने हैं तो कर लो, रखने हैं तो अच्छी बात है। और ब्रश, सनस्क्रीन, ये 100% ये चाहिए चाहिए। कोल्ड क्रीम नाक वगैरह पे लगाने के लिए या डेली यूज़ के लिए, कुछ लिप्स के लिए ताकि लिप्स फटे ना, ब्रश हो गया, उसके साथ पेस्ट हो गया, हैंड सैनिटाइज़र, हर टाइम पानी नहीं मिलेगा तो हैंड सैनिटाइज़र काम आ जाएगा। उसके बाद ये कुछ फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स हैं, ये मतलब जो हमारी बॉडी में कुछ ऑयल की ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो डेफ़िनेटली ये काफ़ी हेल्प करेंगे वहाँ पे। और उसके बाद कुछ च्युइंगम्स हैं, टॉक कैंडीज़ हैं, पूरा पैकेट भी है मेरे पास इधर। लेकिन उससे पहले ये देखो, प्रोटीन बार्स हैं, 22 ग्राम ऑफ प्रोटीन है इनमें, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी हमें क्लाइंब करने में, तो किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जैसे बॉडी को, तो इनसे सब कुछ पूरा हो जाएगा। कुछ आलू भुजिया, ये नमकीन खाने के लिए, कुछ चॉकलेट्स मेरे पास, कुछ 6 मेरी ये हैं, 6 या 12, तो 6 दिन के ट्रैक में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम ऐसा अब फूड नहीं बना रहे इस बार, तो एक बार का खाना हम वहाँ पे ढाबों पे खाया करेंगे, जैसे कि स्टॉक कंक्रीट ट्रैक में ढाबे भी होते हैं। तो उसके बाद जो डेली मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट और लंच के लिए हम ये चॉकलेट्स खा लेंगे, बिस्किट्स हैं हमारे पास, ग्लूकोस है, पीनट्स, इनको कभी मत भूलो, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इसमें। और ये वेलापंथी के लिए हमारे पास हैं ये क्या बोलते हैं इनको, वेफर्स। और हाँ, ये देख रहे हो आप, ये है मुश्क कपूर। इससे होता क्या है, जब हमारा बॉडी का ऑक्सीजन कम हो जाती है तो इसको सूंघने से थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन मतलब मिलती रहती है हमें, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और डिस्क्रिप्शन में पर इसमें अगर आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे कोई और भी वीडियो देख लो। और जो सबसे बड़ी बात एक मेरे पास मिस हुई आज, मेरे पास ना स्लीपिंग बैग नहीं है अभी। मेरा स्लीपिंग बैग है जो वो पंचकुला में पड़ा है, तो वहाँ से मैंने कलेक्ट करना है और मैंने इसमें डाल देना है। बाकी सारा सामान पूरा है, जो 2 चीज़ें रह गई हैं वो है ये स्टिक और ये मैट। ये मैट ज़रूरी है क्योंकि हर जगह साफ़ नहीं होती, तो वहाँ पे मैट टेंट के अंदर बिछा के तो वहाँ पे हम इसको सो जाते हैं। जो टेंट है वो मिस्टर ललित कपूर के पास है, तो उन्होंने पहले ही हमारी पैकिंग कर ली है, तो उसमें टेंट पड़ा है। ये स्टिक आप एक भी रख सकते हो या 2 भी रख सकते हो, 2 में अच्छे से चलने के लिए मिल जाता है, 1 में ऐसा है भी अगर आपने, मैंने जैसे वीडियो बनाता रहता तो एक हाथ से मुझे वीडियो बनाने के लिए ये काम आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास, अगर आपको कुछ भी पूछना है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख दो। अभी तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं वापस आके ज़रूर इन चीज़ों के बारे में आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, ये सब कुछ है मेरा।